उत्तराखंड में चार धाम यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन जुट गया है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी के साथ यमुनोत्री मार्ग और प्रमुख यात्रा पड़ावों का निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर कहा कि चारधाम यात्रा को देखते हुए यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग के अनुरक्षण और रेलिंग्स की मरम्मत, हाई मास लाइट की स्थापना, विश्राम ग्रहों के अनुरक्षण आदि कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। इन सभी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जानकी चट्टी के लिए स्वीकृत हाई मास लाइट की स्थापना भी शीघ्र कराई जाए। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। की व्यवस्था आज ही नहीं, हम लोग पिछले दो ढाई महीने से इसमें लगे हैं। इस बार हम लोगों ने यमुनोत्री में जो हमारा पैदल मार्ग है और जहाँ पर टूट फूट हुई थी, रैलिंग जाना हुई थी, उसके लिए पैसा सेंक्शन किया है। यमुनोत्री टेम्पल में एक हाई मास लाइट के लिए हम लोगों ने पैसा सेंक्शन किया है। उसके बाद जो यमुनोत्री में जो हमारे गेस्ट हाउस हैं उसके रिपेयर के लिए पैसा सेंक्शन किया है। और नीचे जो हमारी पार्किंग है, पार्किंग पॉइंट पर भी एक हाई मास लाइट के लिए हमने पैसा सेंक्शन किया है। और एक हमारा वहाँ इसी पॉइंट पर हम लोग ने एक प्रपोजल भेजा है शासन को, वो भी सेंक्शन होने वाला है, जिसमें हमारा लगभग यात्री यहाँ पर उतरेंगे, वहाँ रेस्टिंग पॉइंट होगा, वहाँ टॉयलेट बनेंगी, वेटिंग रूम होगा और उसके बाद उनको टॉयलेट की सब व्यवस्था होगी। 3.5 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट हम लोगों ने भेज रखा है और जल्दी वो सेंक्शन होने वाला है। वो व्यवस्था इस प्रकार की काफ़ी व्यवस्था है। यात्रा की व्यवस्थाओं के संबंध में यही होता है, यहाँ जो कमी है उसको दूर करते हैं। पैसे की कमी होती तो वहाँ शासन से मंगाते हैं, वो लोग दे देते हैं पैसा और हम लोग यही पूरा देखते हैं कहाँ पर पिछले साल यात्रा में क्या गैप्स रहे थे, उन गैप को आइडेंटिफाई करते हैं। आज हम लोग यहाँ से चल रहे हैं तो पूरा हमारे NH के लोग ये और वीडियो वाले साथ में अभी होंगे और जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड जोन है SP साहब बता रहे थे रास्ते में कहाँ कहाँ पर थोड़ा दिक्कत आती है, उनको किस तरीके से ठीक किया जाए ताकि आगामी यात्रा में जो बारिश का समय वो दिक्कतें हमें फेस ना करनी पड़े। इस साल जैसे 10 मई से यात्रा चालू हो रही है और हमारा जो पूरा उद्देश्य यही है कि जो भी तीर्थयात्री देश विदेश से दूर से आ रहा है तो उसको किसी भी तरीके से यहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो और यहाँ से अच्छी यादें लेके जाए। तो जो पिछले साल जो भी कमी रह गई, जो चुनौती हमने मिली थी तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जैसा आपने बोला क्राउड बहुत ज़्यादा आ गई थी इस बार, तो हम इस बार क्राउड कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाएंगे। जैसे यमुनोत्री की बात करें तो डंडी कंडी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो उनको एक सीमित संख्या में एक दिन में उनको एक सबसे बात करके एक बार ऐसा कुछ तरीका निकालेंगे जिससे ओवर क्राउडिंग ना हो रास्ते पे और सबको अच्छे से दर्शन हो सके।